नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग हॉल इफेक्ट सेंसर्स के बारे में देखने वाले हैं। हॉल इफेक्ट सेंसर्स एक्चुअल में होते क्या है और कौन से ऐसे प्रिंसिपल पे काम करते हैं। साथ में हम लोग एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें देखेंगे एक एक्चुअल हॉल सेंसर किस तरह से काम करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बेसिकली हॉल सेंसर्स की जो शुरुआत है, जो डिस्कवरी है, ये एक एक्सपेरिमेंट के साथ शुरू हुई जिसे हम लोग हॉल इफेक्ट एक्सपेरिमेंट कहते हैं, जिसे 1879 में अमेरिकन साइंटिस्ट एडविन हॉल इन्होंने डिस्कवर किया और उन्हीं के नाम से इस सेंसर को हॉल सेंसर ऐसा नाम पड़ा। हॉल सेंसर्स का इस्तेमाल बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। ये सेंसर्स काफ़ी सारे एप्लीकेशंस में यूज़ किया जाता है, जैसे कि प्रॉक्सिमिटी सेंसिंग के लिए, करंट सेंसिंग के लिए, स्पीड मेजरमेंट के लिए और दूसरा BLDC हब मोटर्स में भी इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। इस सेंसर्स के दो तरह के टाइप्स मोस्टली देखने को मिलते हैं, एक होता है लीनियर हॉल सेंसर और दूसरा होता है डिजिटल हॉल सेंसर। लीनियर हॉल सेंसर को हम लोग एक्चुअली एनालॉग हॉल सेंसर भी बोलते हैं और ये हॉल सेंसर एक्चुअली इस तरह से काम करते हैं कि जो उनका आउटपुट होता है, ये आउटपुट वोल्टेज वैरी होता है जिस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ वैरी होता है। मतलब ये एक तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितना आप इसको मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में लेकर जाओगे, जितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना ही इसका आउटपुट ज़्यादा होगा। दूसरी तरफ डिजिटल हॉल सेंसर जो होते हैं, इनका जो आउटपुट होता है ये बेसिकली आइदर हाई होता है या लो होता है। ये डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरह की है, एस पोल है या एन पोल है, उसके अगेंस्ट ही ये हाई होते हैं या लो होते हैं। अभी हम लोग समझते हैं कि हॉल सेंसर किस तरह के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। जो हॉल सेंसर्स होते हैं ये एक तरह के फिनोमेनन पे काम करते हैं जिसे हम लोग हॉल इफेक्ट कहते हैं। हॉल इफेक्ट बेसिकली क्या होता है कि कोई भी अगर रेक्टेंगुलर प्लेट को अगर हम लोग लेते हैं, उसमें से पावर सप्लाई को पास करते हैं और उस पावर सप्लाई के पास करने के बाद उसके ऊपर अगर हम लोग कोई भी मैग्नेटिक फील्ड को इम्पोज करते हैं तो उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक फोर्स जनरेट होता है जिसे हम लोग लॉरेंट्ज़ फोर्स कहते हैं। उस फोर्स के कारण अंदर बहने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो चार्ज पार्टिकल है, ये इस फोर्स के कारण एक साइड में जमा होना शुरू हो जाते हैं और जिस साइड में ये जमा हो रहे हैं उस साइड में अगर हम लोग किसी भी पोटेंशियल मीटर को प्लेस कर उस दोनों साइड के अगर पोटेंशियल डिफरेंस को चेक करेंगे तो वहाँ पर हमें कुछ वोल्टेज नज़र आता है जो कि काफ़ी कम होता है, जिसे माइक्रो में मेजर किया जाता है। और इसी प्रिंसिपल के ऊपर इस सेंसर्स को डेवलप किया गया जिसमें हम लोग किसी भी एनालॉग सिग्नल को, यानी कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को सेंस करके उसके अगेंस्ट एक डिजिटल सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। बराबर सर, तो यही है, तो यही जो आपने देखा फ्लो मोड, जिस तरह से अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सेंसर है जिसे हम लोग हॉल इफेक्ट सेंसर कहते हैं। ये सेंसर दिखने में ट्रांजिस्टर की तरह है बट ये ट्रांजिस्टर नहीं है, ये एक हॉल सेंसर है जिसे देखने पर आपको पता चलेगा इसमें यहाँ पे 3 पिन दिए जाते हैं। इन तीनों पिन का अगर मैं आपको पिन डायग्राम बताऊँ तो यहाँ पर ये पहला इनपुट पिन है, उसके बाद ये ग्राउंड पिन है और उसके बाद ये आउटपुट पिन है और ऊपर में जो आपको सरफेस दिखाई दे रहा है, इसी चिप के ऊपर, इसी बॉडी के ऊपर अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को लेकर आते हैं तो यही से ये सेंस करता है मैग्नेटिक फील्ड को और उसके बाद उसके अगेंस्ट वो आउटपुट में एक सिग्नल जनरेट करता है। इसी हॉल इफेक्ट सेंसर्स के कारण काफ़ी सारे ऐसे एप्लीकेशंस है, जैसे कि अभी के एप्लीकेशन में अगर हम लोग बताएं तो जो BLDC मोटर है इनका इवोल्यूशन हो पाया। पहले जो DC मोटर्स थे उनके अंदर एक कम्यूटेशन सिस्टम आता था जिसमें हमें मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती थी, बट इन सेंसर्स के कारण DC मोटर्स का इवोल्यूशन BLDC मोटर्स में हो पाया और इन्हीं सेंसर के कारण हम लोग मेंटेनेंस फ्री मोटर्स को डेवलप कर पाए। अभी मैं यहाँ पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करूँगा, तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए मैंने यहाँ पर एक मल्टीमीटर लिया है, उसके बाद एक हॉल सेंसर को ब्रेडबोर्ड में मैंने माउंट कर दिया है और उसके बाद काफ़ी सारे वायर्स है जिनमें से रेड कलर का जो वायर है इसका इनपुट है जो कि पावर सप्लाई को गया है और ऑरेंज कलर का ब्लैक वायर है जो नेगेटिव को गया है और दूसरा जो ऑरेंज कलर का वायर है जो इसका ग्राउंड है वो मल्टीमीटर के कॉमन टर्मिनल को जॉइंड है और येलो वाला जो वायर है ये मल्टीमीटर के पॉजिटिव प्रोब को जॉइंड है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक वोल्टेज मुझे दिखाई दे रहा है और मैंने जो पावर सप्लाई का वोल्टेज है ये 0 रखा है। यहाँ पर मैं अभी चेक करता हूँ, एक मैग्नेट को लेकर चेक करता हूँ कि ये सेंसर अभी एक्टिव है कि इनएक्टिव है।
अभी मैं अगर मैग्नेट को इसके ऊपर लेके जाता हूँ तो यहाँ पर मुझे कुछ भी डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए अभी हम लोग वोल्टेज को बढ़ा देते हैं। इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज है 5 वोल्ट, तो हम लोग इसे सेट कर देते हैं 5 वोल्ट के ऊपर और तभी हम लोग देखते हैं कि अभी क्या हो रहा है। तो अभी मैं मैग्नेट को इसके ऊपर रखता हूँ तो यहाँ पे कुछ मुझे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे 0.18 वोल्ट है, तो ये वोल्टेज देखिए 0.23 वोल्ट है, तो मैं जैसे ही मैग्नेट को लेके आता हूँ उसके ऊपर तो ये 0 हो जाता है। इसका मतलब ये जो डिजिटल हॉल सेंसर है ये रिमेन हाई रहता है और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड इम्पोज करते हैं वैसे ही ये 0 हो जाता है। अभी मैं पोल चेंज करके देखता हूँ कि इसमें कुछ डिफरेंस आता है कि नहीं। ओके, तो ये जब दूसरी साइड में अगर इम्पोज करता हूँ तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। इसका मतलब ये सेंसर एक पर्टिकुलर पोल के अगेंस्ट ही सेंसिटिव है। जिस तरह से मैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं दूसरे साइड को इसके ऊपर लेके जाता हूँ तो ये फटाक से 0 हो जाता है जो इसका आउटपुट वोल्टेज है वो। तो इस तरह से आपने देखा कि ये सेंसर किस तरह से काम करता है। इसको इस सेटअप को आप घर पर भी कर सकते हैं, बस आपके पास एक हॉल इफेक्ट सेंसर होना ज़रूरी है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जिस तरह से मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो मोटर्स को इस्तेमाल किया जाता है अभी के समय में, जिसे हम लोग BLDC मोटर्स कहते हैं, इनके अंदर इन सेंसर का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है। और जो हब मोटर है उनकी जो डिज़ाइन होती है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है, ये भी काफ़ी डिफरेंट होता है। अगर आप नहीं जानते हो कि अंदर का डिज़ाइन किस तरह से है तो आपके लिए ये राइट वाला वीडियो है। और अगर आप जानना चाहते हो कि BLDC मोटर किस तरह से काम करते हैं तो आपके लिए ये लेफ्ट वाला वीडियो है। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।